लुधियाना के लोधी क्लब के नजदीक लुधियाना फिरोजपुर रेलवे लाइन पर बनाए गए रोड अंडर ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लो द्वारा किया गया। इस ब्रिज को बनाने में 37.5 करोड़ रुपए की लागत लगी है। यह रोड फिरोजपुर से पखोवाल की ओर जाने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। इस दौरान शरणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब में शुरू किए गए विकास प्रोजेक्टों को पहल के आधार पर पूरा किया जा रहा है और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इन प्रोजेक्ट्स को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर जिला भाजपा प्रधान प्रवीण बांसल, विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, दर्शन सिंह शिवालिक, भाजपा नेता प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी वालों ते श्रोमणी अकाली दल वालों आज लोधी क्लब का अंडर पास उद्घाटन किया जा रहा है। शहर का ऐसा कोई काम है जो पब्लिक के हित को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल सरकार इस प्रति गंभीर है और कांग्रेसी लोग कई जगह न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और असी अज इस गल उद्घाटन कर रहे हैं और इस गल का जनता ना प्रॉमिस भी करते हैं भी जोड़े बाकी भी रेंदे काम है वो भी असं पूरे करावे। किसी तरह जी फंडा की चर्चा होंगी है वो फंड जोड़े है कदे भी साड़े विकास के कदे असं रोड़ा नहीं बनाया, असं किस तरह की मैनेज करते रहे हैं और जोड़े लोकल सड़क भी हैं तो होर जो काम है असं पूरे करा। नौ मास का रिश्ता है तो हर बार कहा जा सकता। अच्छा ये हूँ तुम उद्घाटन के आप नज़र आ रहे हैं, पहले तो बीजेपी कभी उद्घाटन उस तो 2-2.5 साल पहले की गल करिए। ऐसा कोई उद्घाटन नहीं है, साड़ी सांझी सरकार असं कट्ठे रहे हैं। ईवन जब श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने जिन्हें उद्घाटन किए हैं तो इलाके वाई कितने भंडारी साहब से कितने गुसाई साहब से कितने मैं सी, ऐसा कदे नहीं होया। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। पंजाब के अंदर जिन्हें भी साडे प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट के चल रहे ने, कोई 3 महीने च मुकम्मल हो जाना, कोई 6 महीने च मुकम्मल हो जाना, आने वाले मैक्सीमम 2.5 साल के सारे सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये मुकम्मल हो जाने ने। असी जी नहर की रोड आ रही है अज तो 1 महीने पहला पखवा रोड तक वह उद्घाटन किया, अज असी लोधी क्लब के अंडरपास का उद्घाटन कर रहे हैं। जनवरी के पहले या दूजे हफ्ते लकड़ी वाला पुल ते नहर का जो प्रोजेक्ट है शहर का हिस्सा ये सारे का सारा 100% मुकम्मल होगा, यद असं उद्घाटन करा। जो लोधी क्लब अंडरपास है ये 37.5 करोड़ रुपए ये उत्ते लगे ने। सारे पंजाब की गल वक्री है, जे मैं लुधियाने जिले की गल करा जिन्हें भी इतने फ्लाईओवर बने ने, जिन्हें भी इतने कम सड़कों के जो भी किए ने, एक केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बिना किसी इट नहीं लाई। जिमें ज़्यादा मैरिज पैलेस जोड़े है वो पखवा रोड के उत्ते ने, अगे रश पैंदा सी नहर वाले साइड तो हुण रश खिलर जूगा। इस लोधी अंडरपास के बनने नाल लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलनी है, खास करके पखवा रोड तो आने वाले लोगों को।